नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मेरवा में और हमारे साथ वही लड़की मौजूद है जो मात्र 11 साल की है और इससे जो है 45 वर्ष का जो बुढ़ा है वो शादी कर लेता है। लेकिन सोचने वाली बात ये बनती है कि ये कभी बोल रही है कि मैं उसके साथ जाऊंगी, कभी बोल रही है कि उसको फांसी होनी चाहिए, कभी बोल रही है कुछ और बयान कर रही है। हम जानेंगे और जाने का प्रयास करें। क्या नाम है बाबू आपका? संध्या कुमारी। संध्या कुमारी नाम है और उसका नाम क्या है? महेंद्र पांडे। कब शादी किया आपसे? 18 तारीख को। अब क्या बोल कर शादी किया था आपको? मतलब आपके घर पे शादी किया या कहीं ले जाकर शादी किया आपको? रघुनाथपुर शादी किया था। और क्या चक्कर था आपका और उसका? इससे पहले क्या चक्कर था आप दोनों का? कुछ भी नहीं। आप तो बोल रहे कि पैसा दिया था मेरे मम्मी को। हाँ, पैसा दिया। कितना पैसा दिया था मम्मी को? 500 रुपया दिया था। और आपकी मम्मी कितना पैसा मांगे थी उससे? उससे 2-3 हज़ार मांगे। और पैसा किस चीज के लिए आपकी मम्मी बार बार मांग रही थी महेंद्र पांडे से? बिट भरने के लिए। मतलब क्या, किस्त भरने के लिए मांग रही थी? तो उमर पांडे आपका क्या लगता है? चाचा लगता है, यानी कि आप उसकी भतीजी हुई। और भतीजी से शादी करना चाचा कहाँ तक उचित है? आप कभी सोची नहीं इसके बारे में? बताइए। नहीं। और कितने दिन आपके साथ में रहा है वो? 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना रहा है। कहाँ पे रखा था आपको? होटल में रखा था या कहीं घर पे रखा था? रघुनाथपुर में। मतलब होटल लेके रखा हुआ? नहीं, रूम लेकर। रूम लेकर रखा हुआ था। और थाना में आप गई थी तो आपसे क्या क्या मतलब बयान लिया गया, क्या क्या वहाँ बोली है आप? आपको जब पुलिस ले गई आपको और महेंद्र पांडे को, तो आपसे क्या पूछ रहा था वहाँ पुलिस? हमसे? हाँ। यही सब तो पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? जो हम पूछ रहे हैं वही पूछ रहा था। और कब ला के आपको छोड़ दिया यहाँ पे? ओ, सोमवार को। सोमवार को। एक चीज और कि तुम बोल रहे कि उसकी पत्नी जो है उसका साथ दे रही थी तुम्हारा साथ शादी करवाने के लिए। हाँ। ये कहाँ तक सही है? क्या बोल रहे थे उसकी पत्नी? वो बोल रही थी उससे कि हम मर जाएंगे, ये आपका लड़का बड़का मर जाएगा तो छोटका को कौन देखेगा। ना ना, मैंने लड़की आपसे शादी करने के लिए उसकी औरत बोल रही थी या बोल रही थी मत कीजिए शादी? वो हमसे नहीं बोल रही थी। हाँ। उनसे बोल रही थी। क्या बोल रही थी? शादी करने के लिए हमसे। मतलब बोल रही थी कि आप इसे शादी कर लीजिए? हाँ। लड़किया से? हाँ। कहे बोल रही थी वो? वो महीना में 29 दिन एथिये रहती है। आप कभी अपने घर पे बोली है कि मेरे साथ वो मतलब गलत करने के लिए सोच रहा था, गलत करने के लिए प्रयास किया है, कभी बोली है आप? आप बताइए, आप पूरे पूरे माँ को शर्म कर दिया जाए। लेकिन मानना पड़ेगा उस बुढ़े को। और जरा सोचिए कि ये कैसा बुढ़ा व्यक्ति है महेंद्र पांडे जो इस बच्ची से शादी करता है, और गलती इसका भी है और गलती उसका भी है, लेकिन सजा जो होना चाहिए ये कहीं ना कहीं उचित सजा होना चाहिए और उसको फांसी होना चाहिए।